हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम क्लास सिक्स बुक आर एस अग्रवाल चैप्टर 10 रेशियो प्रोपोर्शंस एंड यूनिटरी मेथड एक्सरसाइज 10A को स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अगर आप क्लास सिक्स के और चैप्टर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से देख सकते हैं। बच्चों, क्वेश्चन 1 है, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो बच्चों, यहाँ पर क्या रेशियोज दी गई हैं, इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है कि जो आगे किसी भी नंबर से ना कटे, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी पता भी है कि कैसे होता है। तो बच्चों, जो क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 है वो क्या है, 24 to 56, ठीक है। इट मीन्स 24:56। अब हम रेशियो को किसी फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, तो कैसे लिखे इसको, 24/56, ठीक है। अब हम देखेंगे किस नंबर पे कट रहा है, कि मतलब कि ये जो है आगे किसी नंबर पे नहीं कटना चाहिए, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म होता है कि सबसे लोएस्ट फॉर्म, ठीक है। तो अब इसको किस पे कट जाएगा, 8 3 24, 8 7 56। तो हमारे पास क्या आया, 3 3/7, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3:7। तो ये हमारा आंसर आ गया क्वेश्चन 1 के पार्ट 1 का, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में क्या दिया गया बेटा, 84 पैसे 2 रुपीज़ 3। अब बच्चों, जब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो जो हमारे पास जैसे ये पैसे में दिया होता है, तो हम इसको भी पैसे में कन्वर्ट करेंगे, मतलब कि हम यूनिट को सेम बनाते हैं। ये आप अगर मेरी वीडियोस देख रहे होंगे तो मैंने आपको कई वीडियोस में बताया है कि हमने यूनिट को सेम करना है, तभी हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम रुपीज़ 3 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये क्या बन गया, 84 पैसा, ठीक है, रेशियो रुपीज़ 3 बन गया। अब रुपीज़ 3 को हम कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है रुपीज़ 1 इक्वल टू 100, ठीक है। सो रुपीज़ जो है 3 इक्वल टू 300, ठीक है। 300 पैसे, ठीक है, पैसे, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास क्या बन गई क्वेश्चन, 84 पैसा रेशो 300 पैसा, ठीक है बच्चों। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, 84/300, ठीक है, ठीक है बच्चों। अब हम देखेंगे ये किस नंबर पे कट रहा है, ठीक है, किसी ऐसे नंबर पे कटना चाहिए। तो इसको आप जैसे आप जिस नंबर पे इजीली काट सकते हो उसको भी काट सकते हो। जैसे मैं 3 के टेबल में काट रही हूँ, 3 2 6, रिमाइंडर बचा 2 24, तो किस पे जाएगा, तो 3 8 24, 3 1 3 100 आ गए यहाँ पर। अब ये किस पे जा सकता है, 2 के टेबल में काट के देख लेते हैं, है ना। और किस पे जा सकता है, आप गैस करो जरा इसको, 4 7 4 4 के टेबल में चलेगा, 4 7 28, 4 2 8, रिमाइंडर 2 4 5 20। तो हमारे पास क्या आया, 7/25 आया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7:5। तो ये हमारा आ गया पार्ट 2 का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या दिया गया बच्चों, 4 kg to 750 g, 4 kg to 750 g। तो अब हम यहाँ पर केजी को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब कि 4 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमें पता है 1 kg हमने क्या करना है, बड़े से छोटे में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिख भी सकते हो 4000 g रेशो 750 g, ठीक है। तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं हम 1 kg इक्वल टू 1000 g, सो 4 kg इक्वल टू 4000 g, ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4000/750, ठीक है। 0 से 0 कट गई, अब ये किस पे कट जाएगा, 5 के टेबल में, 5 8 40 0, 5 1 5, रिमाइंडर 2 25, 5 5 25। अगेन ये 5 के टेबल कट जाएगा, 5 1 5, रिमाइंडर 3, 5 6 30,
5 3 15। आगे ये ऊपर नीचे किसी भी एक नंबर पे नहीं कट रहे हैं, तो यही हमारी क्या होगी, सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। और इसको ये किस में आया, फ्रैक्शन की फॉर्म में आया, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 16:3, 16:3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया हमारा पार्ट थर्ड का आंसर। अब हम करते हैं पार्ट फोर। पार्ट फोर क्या बोला गया है, 1.8 kg to 6 kg। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है, यूनिट सेम ही है, तो इसको हम कन्वर्ट नहीं करेंगे। तो इसको ये इसका क्या मतलब हो गया, 1.8 kg to 6 kg। ठीक है, अब हम इसको किसकी फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 1.8/6 आ गया। अब ये डेसिमल हटा दिए तो यहाँ पर हमने 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये 6 3 18, तो अब 3 और 10 किसी एक नंबर पे नहीं कट रहे, तो हमारे पास क्या आ गया, 3/10 फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 3:10। तो इसका आंसर क्या आ गया क्वेश्चन 4 का, 3:10। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगी, 3:10 होगी। अब हम करते हैं पार्ट फिफ्थ। पार्ट फिफ्थ बोला गया है 48 minutes to 1 hour, 48 minutes to 1 hour। अब बच्चों यहाँ पर क्या, 1 hour दिया गया, यूनिट सेम नहीं है, तो हमें पता है कि 1 hour में 60 minutes होते हैं, तो हम 1 hour की जगह क्या लिखेंगे, 48 minutes to 60 minutes। ठीक है, ब्रैकेट में आप यहाँ पर लिख दो 1 hour = 60 minutes। ठीक है, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 48/60 फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये किस पे चलेगा, 12 के टेबल में कर जाएगा, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60। तो हमारे पास क्या आ गया, 4/5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4:5। तो ये आ गया हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गई रेशियो की, 4:5। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट सिक्स। पार्ट सिक्स क्या है, 2.4 kilometers to 900 meters। अब बच्चों यहाँ पर क्या, एक यूनिट किलोमीटर की, दूसरी है मीटर की, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे। तो 2 kilometers को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखो बच्चों अगर हम यहाँ डिवाइड हो जाइए तो हमारा लंबा प्रोसीजर होगा, हमने शॉर्टकट को यूज़ करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जब भी आपने बड़े से छोटे में जाना है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। जब छोटे से बड़े में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रहेगी, तो ये आप इजीली कर लेंगे। अब 20 हमें पता है कि 1 meter में कितने होते हैं, 1000 kilometers होते हैं। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास, ये कितना है, 2.4 kilometers है। ठीक है, तो 2.4 को आपने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास कितना है, 24,000 आ गया। तो 10 छोड़ के हमने डेसिमल लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, 2400 kilometers to 900 meters। ये समझ आ गया आपको कैसे किया मैंने। ठीक है, आप अगर ब्रैकेट में मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो, 1 kilometer = 1000 meters। ठीक है, सो 2.4 kilometers कितना आ गया, 24,000 meters आ गया। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 digit है, तुमने 1 digit छोड़ के डेसिमल लगाया तो कितना आ गया, 2400 meters आ गया। ठीक है बच्चों, अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे। 900, 0 से 0 कट गया। अब ये किस पे चले जाएगा, 3 के टाइम चलेगा, 3 8 ज़ा 24 0 और 3 3 ज़ा 9 0। ठीक है, अगेन अब ये किसके टेबल में कटेगा, आई थिंक आगे 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, वैसे 0 से 0 यहाँ भी कट सकती थी, चलो कोई बात नहीं, 8/3 आया। अब इसको रेशियो की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 8:3। ये हमारा आ गया आंसर क्वेश्चन 1 के पार्ट 6 का। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन 1 आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। बच्चों अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें,
बच्चों यहाँ पर 7/25 है, 7:25 है। अगर इस तरह से कोई मिस्टेक होती है तो खुद भी अंडरस्टूड कर ले करो कि यहाँ पर 7:25 आना था, ठीक है ना। कभी होता है कि वीडियो बनाते हुए समझाते हुए थोड़ा सा रह जाती है, तो आप इसको खुद भी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन टू है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालना है इनको, ठीक है। तो क्वेश्चन टू का पार्ट वन क्या है बच्चों, 36:90। तो बच्चों यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इनका एससीएफ निकाल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो आगे बड़े बड़े डिजिट हैं, तो इस एक तरीका ये है कि इन दोनों का हम एससीएफ निकालेंगे। तो 90 को एससीएफ में कहते हैं बड़े वाले डिजिट को छोटे वाले डिजिट से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 6 18 8 1 3 3 9 नहीं बड़ा, तो ये 36 2 कितना आ जाएगा, 72 आएगा। 10 में से 2 लेस गया 8, यहाँ पर 8 में से 7 लेस गया 1, यहाँ पर 36, तो 18 2 कितना होता है, 36 होता है। तो हमारे पास एस सी एफ ऑफ 36 एंड 90 इज कितना आया, 18 आया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इससे क्या आपको एक डिजिट मिल गया 18, जिससे ये सीधा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाय 18/18, तो 18 2 कितना होता है, 36, और 18 5 90, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2:5, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आगे क्या है हमारे पास पार्ट टू, 324:144। तो पहले इनका हम एस सी एफ निकालेंगे, एस सी एफ क्या करेंगे, 324 को 144 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब ये किस पे जाएगा, 2 पे चलेगा, 288, 14 में से 8 लेस गया 6, यहाँ पर 11 रह गया, 11 में से 8 लेस गया 3 आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम 44 को डिवाइड करेंगे 144 को, तो ये किस पे चला जाएगा, 36 4 144, ठीक है। तो इनका एस सी एफ क्या आ गया, एस सी एफ ऑफ 324 एंड 144 इज 36। अब हम इसको रेशियो लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे 36 से, ऊपर नीचे 36 से डिवाइड करेंगे, और 36 4 144, ये तो हमारे पास यहाँ पर 4 आ गया। अब हमने देखना है 36 जो 324 है वो 36 के टेबल में किस में आता है, ठीक है। अब 6 के टेबल में जो 4 आता है ना यूनिट नंबर है, वो 5 पे आता है। तो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं एक बार, है ना। 9 6 54 4 5 कैरी 9 7 3 27 + 5 32, इट मीन्स ये 9 पे चला गया। आगे ये किसी नंबर पे कट रहे, तुम्हारे पास आंसर क्या आ गया, 9:4 आंसर आ गया पार्ट टू का। अब हम करते हैं पार्ट थ्री। पार्ट थ्री क्या दिया गया है, 85:561। तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एस सी एफ निकालेंगे, ठीक है। 561 को हम 85 से डिवाइड करेंगे। अब ये किस पे जाएगा, अगर हम 6 से करते हैं, 6 3 कैरी, तो ये 561 से बिगर नंबर आएगा, है ना। 595 ऐसे कुछ आ रहा है, 90, तो हम 5 से करके देख लेते हैं, है ना। नहीं, 6 पे आ जाएगा, 85 6 6 5 30 3 6 8 48, नहीं, हाँ 510, इसका मतलब ये 6 पे चला जाएगा। 5 अगर हम 7 से करते हैं तो उस पर ज़्यादा नंबर 595 आएगा आई थिंक, है ना। तो 85 6 कितना होता है, 510 माइनस किया तो कितना आ गया, यहाँ पर 51 आ गया। अब 85 से डिवाइड करेंगे, अगर 51 को 2 ज़ा बिगर नंबर आता है, 51 से 5 में से 1 लेस गया 4, 8 में से 5 लेस गया 3। अब 51 तो नहीं आता, है ना, 68 आता है, 34 2 ज़ा, तो 34 1 ज़ा 34, 11 में से 4 माइनस किया तो यहाँ पर आया 7, यहाँ रह गया 4, 4 में से 3 लेस गया 1। अब 34 किस पर चल गया, 17 2 ज़ा 34 आ गया, ठीक है। तो एच सी एफ क्या आया ऑफ 85 and 56 561 इज 17, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 85/561, तो डिवाइड करेंगे 17 से ऊपर नीचे, ठीक है।
अब 17 5 ज़ा होता है 85, 17 3 ज़ा 51, फिर रिमाइंडर 5 बचा, फिर 17 3 ज़ा 51। तुम्हारे पास क्या आंसर आ गया, 5:33 आ गया पार्ट 3 का। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अगर आपके पास जैसे रेशियो जो है बड़ी बड़ी हो तो इसे एसएफ निकाल के हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है पार्ट 4, 480:384। अब हम एसएफ लेंगे 384 10 में से 4 लेस गया, हमारे पास क्या है यहाँ पर 6, यहाँ पर रह गया 7 है ना, 7 में से 8 लेस गया, कैरी किया यहाँ पर 17 में से 8 लेस गया 9 आया और यहाँ पर 3 रह गया। अब हम क्या करेंगे 96 को 384 से डिवाइड करेंगे। पहले तो 96 में देखते हैं ये आता है 384। अब 6 के टेबल में जो है किस में आता है, 6 1 6, 6 2 8 12, 6 3 18, 6 4 24। तो 96 को 4 से मल्टीप्लाई करके देते हैं, 4 6 24, 4 2 कैरी 4 9 36, 384 आ गया, 96 4 384 आ गया। तो इसका मतलब इनका एससीएफ क्या है, एससीएफ ऑफ 480 and 384 is 96, 480/384 डिवाइड करेंगे 96 से ऊपर नीचे। अब 96 के टेबल में हमने देखना है 480 किस में आता है, तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा गैस कर लो, 5 9 45 होता है ना, तो 45, तो 96 को 5 से मल्टीप्लाई करें क्योंकि 30 आता है ना, 5 6 30 0 3 कैरी 5 9 45 + 3 480, तो 9 क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो 4 है यूनिट पेस में, तो ये हमने अभी किया ही था। ठीक है, तो 96 4 ज़ा कितना आ जाएगा 384। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5:4 आ गया क्वेश्चन 2 के पार्ट 5 का। अब हम करते हैं पार्ट 5। बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में मज़ा आ रहा होगा, देखो इन्जॉय तो करते हैं हम लोग क्वेश्चन, बस आप ध्यान से करोगे, अगर नहीं समझ तो वीडियो को दोबारा से देखो, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, मैं बहुत आराम से और इजी वे में बताने की कोशिश कर रही हूँ। अब यहाँ पर पार्ट 5 का 186 403, अब हम 403 का 186 से डिवाइड करेंगे, अब किस में जाएगा देखो बेटो, अगर मैं 4 से करती हूँ तो 400 से ऊपर नंबर आता है, तो 186 को 3 से कर लो, 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 24 + 1 25, 5 2 गए तो 3 1 3 + 5 558 आ गया। तो अब 186 को 2 से कर सकते हैं, 2 6 12, 2 1 कैरी 2 16, 17 7 1 कैरी 2 1 2 3, 372 आया, 186 372। माइनस करेंगे 3 में से 2 लेस गया 1 और यहाँ पर 10 में से 7 लेस गया 3, और अब हम 186 को 31 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये सीधा 6 पे चलेगा, 31 6 186। तो इनका एससीएफ कितना आ जाएगा, एससीएफ ऑफ 186 and 403 is 31। ठीक है, अब हम करेंगे इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे 31 से 31 से। ठीक है, ऊपर नीचे एक ही नंबर से करेंगे फिर। अब हमें पता है 31 6 186 आ गया। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 31 1 31, ठीक है 1 आ गया, 40 में से 31 को माइनस किया तो हमारे पास 9 रिमाइंडर होता, तो 93 बन गया, तो 31 3 ज़ा कितना होता है 93। ठीक है ना, आ गया ना, कितना ईजी है ये, 6:13 जो है पार्ट 5 का आंसर आ गया। अब हम करते हैं पार्ट 6, 777:1147। ठीक है बच्चों, जो मैथ्स है ना इसकी जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपको ये इजी लगेगा। ठीक है, इसलिए इसकी प्रैक्टिस करो आप, 1147 को 777 से करते हैं डिवाइड, तो यहाँ पर 1 पे जाएगा क्योंकि 2 पे ज़्यादा नंबर आएगा, 0 आ गया, 40 में 7 लेस गया तो कितना है यहाँ पर 7, यहाँ पर रह गया 0, 10 में से 7 लेस गया 3। ठीक है, एक बार करके देखते हैं 714, हाँ ठीक है। अब हम 777 को डिवाइड करेंगे 370 से, अगर 370 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 0 0 2 7 14 4 1 कैरी 2 3 6 7, 740 आ रहा है ना,
तो हम क्या करेंगे, 370 को 2 से चला जाएगा, ठीक है। 7 7 4 -4 3 37, अतः 370 आया, तो 37 10 370। देखो ना कितने आराम से निकल गया डिवाइजन। ये जो है ना एचसीएफ निकालना फिर भी इजी है। एचसीएफ ऑफ 777 एंड 1147। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, हमने सबसे पहले जो पहला डिजिट है उसको ही न्यूमरेटर में रखना है। अगर आप इस तरह उल्टा पुल्टा कर दोगे तो आपका आंसर, अगर आपने 13:6 लिख दिया ना, 13, तो वो आंसर आपका गलत होगा, ठीक है। तो इस क्या है इसका 37, तो 777/1147 को डिवाइड करेंगे 37/37 से, तो कितना आ जाएगा ये 37 के टेबल में 777 देखने किस पे आएगा ये, तो 37 2 कितना होता है, हम इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर ना, 777। अगर आप यहाँ डायरेक्ट नहीं हो तो सीधा डिवाइड कर दो, 37 2 74, फिर 37 37 1 37। तो इसको काट के क्या आया, डिवाइड करके 21 आया। अब हम 1147 को डिवाइड कर लेते हैं, 37 से डिवाइड कर लेंगे। अब ये किस पे जाएगा, 37 2 पे तो जाएगा नहीं, 74 आता है। 37 3 कितना, 37 21 1 2 कैरी, 3 9 +2 कितना आ गया, 11। तो 37 3 1 1 आ गया, 37 1 37। तो इसका कितना आया डिवाइड करके, 31 आया, ठीक है ना। आगे ये किसी नंबर पे नहीं कट रहे, तुम्हारा आंसर क्या आ गया, 21:31, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपने ये क्वेश्चन 2 को सॉल्व करना था। आई होप ये क्वेश्चन 2 आपको समझ आ गया होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में भी बच्चों आपने क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो अब यहाँ पर हमारे पास क्या दिया गया है, जो पार्ट 1 है वो है ₹60:80, मतलब कि 16 रुपीज़ 80 पैसा। तो अब हम इसको बेटा लिखते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, 630, ठीक है, ये रेशो नहीं पॉइंट है ये, है ना, अपॉन 16.80, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इनके जो है डेसिमल को हटाना है, ठीक है। तो डेसिमल ये यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल में 2 डिजिट हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये कट जाएगा आपस में, क्यों कट जाएगा मैं आपको बताती हूँ। देखो 630 अपॉन कितना आया, 100 आया, फिर 1680/100 आया, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे 60 680/100 × 100/1680, तो ये 100 100 कट जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर काट दी, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट काट दो, आपको इस तरह से करने की ज़रूरत नहीं है। अब 0 से 0 कटी, ठीक है। अब इसको आप काट भी सकते हो, अब या तो इसको एचसीएफ निकाल लो, या इसको ऐसे कर सकते हो, तो ऐसे कर सकते हो आप, है ना। तो जैसे किस पे चला जाएगा ये, 7 7 9 63 7 2 14 16 में से 14 28 7 4 28, आगे 3 3 9 3 8 24, तो क्या है हमारे पास 3/8, तो इसका आंसर क्या आ गया, 3:8, ठीक है। छोटे छोटे नंबर को आप इस तरह से काट सकते हैं, है ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या है, 3 weeks रेशो 30 days। अब बच्चों यहाँ पर ना 3 weeks दिया गया है और यहाँ पर 30 days दिया गया है। पहले तो हम यूनिट को सेम करेंगे। अब 3 weeks है तो हमें पता है 1 week में 7 days होते हैं, तो 3 × 7 कितना आ जाएगा, 21 days रेशो 30 days, ठीक है। ये आ गया, तो 21/30 आ गए यहाँ पर। अब ये किस पे जाएगा, 3 7 21 3 10 30, आगे किसी नंबर पे नहीं कट रहा, तुम्हारा आंसर क्या आ गया इसका, 7:10 आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। तो बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ठीक है। आगे क्या है, पार्ट 3, 3 m 5 cm रेशो 35 cm। अब बच्चों यहाँ पर क्या है, 3 m 5 cm है, तो हम इसको क्या है,
मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो एक मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 3 मीटर में कितने हो गए 300 सेंटीमीटर हो गए। ठीक है, या इस तरह से मेंशन कर दो यहाँ पर 3 × 100 + 5 सेंटीमीटर लिख दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 305 सेंटीमीटर आ गया, रेशो 35 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आ गया। अब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं 305/35। तो ये 5 के टेबल में कट रहा है, साफ कर रहा है। या इसका आप SCF लेना चाहते हो तो SCF भी ले सकते हैं। ठीक है, जो मर्जी तरीके से कर लो, 305 है 35 तो कितने पे जाएगा ये 9 9 9 3 36 नंबर बड़ा नंबर आएगा, तो 35 8 जा कर देते 8 5 40 04 कह रही 8 3 24 + 4 8 28। ठीक है, तो 5 8 पे चला जाएगा, कितना आया 285। 10 में से 8 लेस गया, यहाँ पर आ गया 2, तो 25 25 1 25 0 3 2 लेस गया 25 2 20। शायद कोई गलती कर दी है, 8 5 40 04 कह रही 8 3 24 + 4 28 285। 10 में से 2 लेस गया, 10 में से 8 लेस गया 25 आ गया यहाँ पर, है ना। ठीक है, अब 25 1 25 तो यहाँ पर कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा रहे हम 10 25 10 2 20 5 2 10। तो इसका क्या आ गया 5 ही आ गया बच्चों, वैसे 5 पे ही कट रहा था ना, तो इसका SCF क्या है 5 आया, तो इसको 5 से ही कट रहा था, 5 6 30 5 1 5 5 7 35। आगे ये किसी भी नंबर पे नहीं कर रहा, तो हमारा इसका क्या रेशो आ गया 61:7 इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो कई बार ना आप पहले देख लो डायरेक्ट कट रहे हैं तो देख लो, नहीं तो अगर लंबा प्रोसीजर है तो आप SCF लेके कर सकते हैं। अब पार्ट 4 क्या है हमारे पास, 48 मिनट्स रेशो 2 आवर्स 40 मिनट्स। पहले तो 2 आवर्स को हम कन्वर्ट करेंगे मिनट में, तो 1 मिनट = 48 मिनट। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 28 × 60 मिनट + 40 मिनट। ठीक है, 28 × 60 + 40 मिनट, नहीं ये 28 क्यों लिख दिया, 2 आवर्स है। ठीक है, तो कितना आया यहाँ पर 120 मिनट + 40 मिनट, तो 120 में 40 को ऐड किया कितना आ जाएगा 48 मिनट्स, तो 48 मिनट्स = 160 मिनट। ठीक है, ये रेशियो है बच्चों, है ना। ठीक है, तो अब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में। अब ये किस पे चला जाएगा, वैसे 12 के टेबल में चला जाएगा, है ना, नहीं 12 के टेबल में नहीं, किसी और के टेबल में देख लेते हैं, 3 के टेबल में भी नहीं जाएगा, 48/160, तो इसको हम काट देते हैं, तो बच्चों ये ना 16 के टेबल में कट जाएगा, 16 के टेबल में आता है 16 3 कितना होता है 16 3 3 6 18 8 1 3 3 हाँ देखो यहाँ पर 16 10 60 आ गया और 16 3 48 आ गया, तो आगे किसी ने, तो इसका क्या आ गया 3:10 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम करते हैं पार्ट 5, वो कितना है 1 L 35 ml रेशो 250 ml। ठीक है बच्चों, तो पहले 1 L को कन्वर्ट करेंगे, तो क्या करेंगे 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ml + 35 ml रेशो 250 ml। 1000 में 35 को मल्टीप्लाई कितने, सॉरी कितना आ गया 1035 ml रेशो 250 ml। ठीक है, अब हमारे पास इसको रेशियो की फॉर्म में लिखेंगे, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे 1035/250। अब ये किस पे चला जा सकता है 5 2 10 0 5 7 35 5 5 25 0। आगे ये किसी नंबर पे कट रहे 2 0 7 50, तो किस पे कट सकते हैं 250 ml, नहीं 270 ml है बच्चों, ये 270 ml है।
तो अब ये देखना पड़ेगा, तो 5 ज़ार 25, 2 5 4 ज़ार 20 आएगा यहाँ पर, है ना, 270 मिलीलीटर, है ना। अब ये किसी पे किस पे कट सकता है, 3 के टेबल में कट जाएगा, 3 6 ज़ार 18, रिमाइंडर 223, 3 6 ज़ार 18, 3 9 ज़ार 27, है ना, 3 6 ज़ार 18, जैसे 9 के टेबल में सीधा कट रहा था, 9 2 ज़ार 18, ना चलो 3 6 ज़ार 18, 3 9 ज़ार 27, 3 1 ज़ार 3, 3 8 ज़ार 24, आगे आगे किस पे कटा ये, 3 6 ज़ार 18, 3 2 ज़ार 6, 3 3 ज़ार 9, तो कितना आ गया, 23/6 आ गया, तो इसका आंसर क्या आ गया, 23:6 इसका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपने पार्ट 5 का करना है, कुछ गलती हो सकती है तो इसको ध्यान से करना है, मेरे से भी गलती हो गई है, तो इसलिए बच्चों आप लोगों ने ध्यान से करना है। ठीक है, आगे कितना है, 4 kg, 4 kg रेशो कितना है यहाँ पर, 2 kg 500 ग्राम, 2 kg 500 ग्राम है। ठीक है, तो बच्चों पहले हम केजी को कन्वर्ट करेंगे ग्राम में, तो यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ग्राम आ जाएगा, और यहाँ पर 2 को 1000 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 500 ग्राम आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 4000 ग्राम, यहाँ पर कितना आएगा, 2000 प्लस 500, 2500 ग्राम आ गया। अब हम इसको लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, 4000/2500, 0 से 0 कट गई, 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, आगे किसी भी नंबर पे नहीं कट रहा, तो इसका क्या आ गया, ये फ्रैक्शन 8/5 आ गया, तो इसको कैसे लिखेंगे, 8:5, ये हमारा आंसर आ गया पार्ट 6 का। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन 3 भी अच्छी तरह से समझ आ गया होगा,